हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। पिछले वीडियो में हमने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में कुछ बात की थी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देखा था। तो वहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, तो वो एडिशन मतलब दो टाइप की जो एनर्जी है, कौन से, तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों का एडिशन करके हमको क्या मिलता था, मैकेनिकल एनर्जी मिलती थी। तो अब देखो, तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा, कोई सिस्टम होगी, कोई पार्टिकल होगा, तो उसकी जो कंडीशन होती है या बोल दो कि उसकी जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग को ये दोनों टाइप मिलते थे। मतलब देखो, तो ये अभी क्या है कि मार्कर, अब देखो ठीक है, तो मार्कर क्या है कि अभी स्टेडी मोड में है। ठीक है, अब सपोज ये अगर यहाँ से वी वेलोसिटी से मोशन करने लग जाए तो क्या होगा कि इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो अब दूसरा क्या होगा कि सपोज ये अभी रेफरेंस पॉइंट पर है। ठीक है, मतलब यहाँ पर उसकी हाइट जीरो ली गई है। अब यहाँ से अगर इसको हम कुछ एच हाइट पर ले जाएंगे तो क्या होगा कि इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। तो अब ये क्या हो गया कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी है। अब हम क्या करने वाले हैं कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हमको क्या आएगा, तो हीट एनर्जी आएगा, केमिकल एनर्जी आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा, फिर आएगा मास एनर्जी। ये कोई मास एनर्जी ऐसा कुछ है नहीं, ये पूरी कंजर्वेशन है, कन्वर्जन है। ठीक है, मास वाला एनर्जी का एक दूसरे में कन्वर्जन है। और ये दोनों का स्टडी करोगे तब जाके आपको पढ़ने को मिलेगा न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, नाम तो सुना होगा न्यूक्लियर बॉम्ब का। ठीक है, अमेरिका ने गिराया था हिरोशिमा नागासाकी पर, तो इसके बारे में पढ़ना है आज हमें। तो स्टार्ट करते हैं हम हीट एनर्जी से। हीट एनर्जी आप देखोगे तो क्या होगा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, कहीं पर भी आप देखोगे कोई भी चीज़ मोशन कर रही है, अगर वो चीज़ किसी के साथ कांटेक्ट में रहेगी, ठीक है, तो क्या होगा कि उसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक सरफेस है, इसके ऊपर ये ब्लॉक है, ये डायरेक्शन में जा रहा है, वहाँ पर उसके ऊपर क्या हो रहा है कि ये डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ओपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी होगा, बट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स तो माइनस एफ इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्क डन कहलाएगा। अब देखो तो क्या होगा कि जब भी दो चीज़ एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएगी तो उस वक्त क्या होगा कि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहाँ पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमको मिलेगी जिसे हम ई लिखते हैं, तो वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी, इस तरीके से हमको यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। तो अब देखो तो यहाँ पर ये हीट कहाँ से आ गई। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को आप क्या होगा कि एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करेगी तो वहाँ पर क्या होगा कि जो दो भी सरफेस होगी, यहाँ पर क्या होगा कि ये वाली सरफेस है, तो जो भी दो सरफेस एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन में रहेगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उनके अपने कुछ फंडामेंटल पार्टिकल होंगे, तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मोशन में होंगे तो क्या होगा कि नॉर्मल कंडीशन से, इक्विलिब्रियम कंडीशन से ये पार्टिकल क्या होंगे, कुछ ज़्यादा ही वेलोसिटी से मूव करने लग जाएंगे। अब ये ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करने लग जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब फंडामेंटल मतलब कि कुछ मॉलिक्यूल या एटम जो भी होंगे वो फंडामेंटल होंगे, मतलब जिससे वो ऑब्जेक्ट बना है, तो फंडामेंटल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी जो फंडामेंटल पार्टिकल होगी उसी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो ये इंटरनल एनर्जी अब क्या होगी, तो जब आप देखोगे तो ये क्या होगा कि अगर ज़्यादा वेलोसिटी से पार्टिकल मूव करेंगे तो उनकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी किसकी बोलेंगे, तो ऑब्जेक्ट की, और पार्टिकल की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उस वजह से क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो कैसे हो जाएंगे, तो गर्म हो जाएंगे।
इसका एक एग्जांपल मतलब एक नंबर आपको दिया है वो याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है। और वो नंबर क्या दिया हुआ है कि 1 kg पानी अगर 10 degree तक ठंडा हो जाएगा तो वो क्या करेगा 42,000 जूल जितनी एनर्जी रिलीज कर देगा। ये एक नंबर आपको दिया हुआ है तो ये याद रखना में भी आपको एग्जाम में आ सकता है। तो हीट एक्चुअली आप देखो हीट तो क्या होगा अगर आपको इसमें भी आइडिया नहीं आया हो तो अपने जो लोग हार्ट है ठीक है मोबाइल को साइड में रखो इसको इस तरीके से रखो क्या हुआ गर्म हो जाएंगे ना तो वही क्या है हीट एनर्जी है ठीक है। तो कोई भी दो चीज़ जब मोशन में होगी और दो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होगी तो वहाँ पर हीट जनरेट होगी तो ये हीट एनर्जी है। अब दूसरा हम क्या बात करेंगे तो दूसरा हम बात करने वाले हैं केमिकल एनर्जी की। तो केमिकल एनर्जी क्या है एक्चुअली तो रिकन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल ठीक सिंपल रिकन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। एक सिर्फ समझने के लिए एक प्रोसेस लिख रहा हूँ ठीक है ये बेंजीन रिंग है इसके साथ एक एच जुड़ा हुआ है ठीक है प्लस सीएल को आप कर दो तो यहाँ पर क्या बनेगा ठीक है प्लस एच सी एल। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन जोड़ा हुआ था ठीक है वो यहाँ से निकल कर क्या हुआ यहाँ का एक सी एल है एक ही सी एल है उसके साथ जुड़ गया है तो ये क्या हो गया कि रिकन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल था तो उनका क्या होगा अब यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से एक सी एल निकल गया। तो अब देखो तो ये प्रोसेस में क्या होगा ठीक है अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ से कुछ जुड़ा हुआ था ये एक बॉन्ड था वो टूट गया यहाँ पर आप देखो तो सी एल तो ये वाला बॉन्ड जो था वो टूट गया तो ये क्या था कि इनकी जो बॉन्ड एनर्जी थी वो क्या हो गई रिलीज हो गई तो वही हमको क्या मिलेगी ऐसा केमिकल एनर्जी मिलने वाली है ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो केमिकल प्रोसेस हो ये तो एक्चुअली केमिकल प्रोसेस हो गई ना तो केमिकल प्रोसेस में ये चीज़ होगी और वहाँ से हमको एनर्जी मिलती है तो इसमें एक्चुअली दो चीज़ होती है एक्स प्लस वाई ठीक तो दो रिएक्टेंट हैं दोनों मिला के हमको एक प्रोडक्ट मिला ठीक है तो इनकी जो एनर्जी है ठीक है वो इससे ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ हीट रिलीज होगी या फिर आप देखो तो ए प्लस बी अब ये दोनों को हम साथ में रखेंगे तो कुछ नहीं होगा बट इसको हम हीट देंगे तब जाके ये हमको कुछ प्रोडक्ट देगा। तो दो केस है हमारे पास एक में क्या होगा तो हीट रिलीज हो रही है ठीक है तो इसको एक्सोथर्मिक और इसको एंडोथर्मिक बोलते हैं ठीक है इसमें हीट रिलीज हो रही है तो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा जबकि इसमें क्या होगा कि हीट देनी पड़ेगी समझ लो तो इसको क्या बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। ये केमिकल प्रोसेस जो होती है वो दो टाइप की ये हो जाएगी अकॉर्डिंग टू एनर्जी ठीक है। अब इसमें भी आपको ऐसा एक नंबर दिया हुआ है और वो नंबर क्या है तो वो कोल के लिए है 1 kg कोल को अगर आप हीट करोगे मतलब बर्न कर दोगे तो वहाँ पर आपको 3×10⁷ जूल जितनी एनर्जी मिलेगी ठीक है। अब ये डेटा के लिए बुक में दिया हुआ है तो मैं लिख रहा हूँ ठीक है कहाँ से आया तो ये पूछना नहीं है ये क्या था तो केमिकल एनर्जी के बारे में था। अब नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिसिटी की पार्टी क्या करें पता ही होगा आप सबको ठीक है अगर ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होगी तो आप लोग मेरे को देख ही नहीं पाते ठीक है क्यों नहीं देख पाते मेरे को मोबाइल में देख लो मोबाइल कैसे चलता है बैटरी से बैटरी क्या होगी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो क्या होगा कि आप मेरे को नहीं देख पाते ना ठीक है। तो देखो पहले क्या था कि सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान वही चीज थी बेसिक बट आप देखोगे तो क्या होगा कि 2000 के पहले इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं होती थी बट उसके बाद से आप देखो तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ का एक पार्ट हो चुका है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो क्या होगा कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ कैसी होगी है ना
तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके बारे में ना आप लोग 12th में पूरा डिटेल में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक से लेके पूरा डिटेल, ठीक है। इसमें आप देखो तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी पावर क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, इस तरीके से हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। अब इसमें भी हमको एक नंबर दिया हुआ है, क्या है कि इंडियन फैमिली 2000 जूल पर सेकंड, इंडियन फैमिली हाउसहोल्ड में, ठीक है, नॉट इंडस्ट्रियल, ओनली जो हमारे घर में जो लाइट यूज करते हैं, ठीक है, तो वो इंडियन फैमिली घर में जो लाइट यूज करती है वो 2000 जूल पर सेकंड जितना पावर कंज्यूम करती है इंडियन फैमिली, ठीक है। तो समझ लो ना, 1 सेकंड में 200 जूल जितना, तो फिर कितना करते होंगे। ये क्या था इलेक्ट्रिक के बारे में, ठीक है। अब मास एनर्जी कन्वर्सन ये क्या है, तो पहले क्या था कि मास और एनर्जी दोनों अलग अलग कंसिडर किए जाते थे, बट जब आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी थियरी दिया तो उसने एक फॉर्मूला दिया, ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है, जिसमें ई एनर्जी था, ये मास था और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट था। तो वहाँ पर हमको क्या मिला कि ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये क्या बतलाता है कि जो मास है उसको हम क्या कर सकते हैं, तो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये चीज़ कहाँ पर मिली है, तो ये न्यूक्लियर प्रोसेस में देखने को मिलेगा कि जो मास होता है उसका इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन होता है। अब यहाँ पर हमको ये फॉर्मूला देखना है। अब ये फॉर्मूला में आप देखो, ठीक है, तो अगर हमारे पास 1 kg जितना ही मास ले लो, अब इसका हमें एनर्जी फाइंड करना हो कि 1 किलो मास है अगर उसको हमने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया तो वो कितना एनर्जी बनेगा। तो ये फॉर्मूला जो है इसमें मास 1 kg दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1, ठीक है, ई इक्वल टू 1 × 3 × 10⁸ उसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻¹⁶ यूनिट जूल। तो देखो कितनी एनर्जी बन रही है, 10⁻¹⁶ जूल। तो मतलब आप समझ सकते हो कि जो कन्वर्सन ऑफ मास इनटू एनर्जी है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब इसी का यूज करके क्या होगा कि हम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, तो वो दो टाइप की है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, तो वो दो टाइप की न्यूक्लियर प्रोसेस होती है, उसके थ्रू हमको एनर्जी मिलती है, वो न्यूक्लियर एनर्जी होगी। तो दो होगी, एक होगी फ्यूजन, सॉरी फ्यूजन होगी और एक होगी फिशन। तो अब फ्यूजन की बात करें तो उसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोजन जैसे स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे में फ्यूज होके क्या करते हैं कि हीलियम जैसे बड़े पार्टिकल बनाते हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, वो मास ऑफ हीलियम के इक्वल नहीं होता है, ठीक है, ये इक्वल नहीं होता। इक्वल कब होगा कि जब हम यहाँ पर डेल्टा एम लिखेंगे, मतलब कि हाइड्रोजन का मास टोटल हीलियम में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा सा मास क्या होगा तो वो बच जाता है। वो क्या होगा, तो ये प्रोसेस को कंप्लीट कैसे करेंगे कि यहाँ पर हम एनर्जी लिखेंगे, तो होगा क्या कि ये जो डेल्टा एम जितना मास जो बच जाता है वो क्या करता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और वो किसके थ्रू कन्वर्ट होगा, तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। तो अब देखो तो यहाँ पर क्या होगा कि ये तो हमने 1 kg लिया है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1 kg की जगह अगर 1 ग्राम भी ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको 10⁻³ आ जाएगा, तो ये 10⁻³० हो जाएगा। बट 10⁻³ में से 10⁻³ होने पर भी नंबर इतना बड़ा होगा कि बहुत एनर्जी मिलेगी। तो समझ सकते हो कि हाइड्रोजन है, ठीक है, तो सारे के सारे हाइड्रोजन में हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, बट उस वक्त क्या होगा कि अगर डेल्टा एम मतलब कि जो मास में चेंज आ रहा है वो अगर 1 ग्राम जितना भी होगा तो कितनी सारी एनर्जी मिलेगी, ठीक है। वैसे क्या होगा कि फिशन में यूरेनियम, ठीक है, 92 टू
235 238 इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, तो वो एक दूसरे में कन्वर्ट होकर क्या करते हैं कि ये बड़ा पार्टिकल है, तो वो क्या होगा कि x प्लस वाई दो अलग अलग छोटे पार्टिकल में वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो वो टूट जाता है तो वहाँ पर भी क्या होगा कि जो मास ऑफ यूरेनियम है वो क्या होगा, मास ऑफ x प्लस वाई ये दोनों जो है, ठीक है, x प्लस वाई ये दोनों के मास से क्या होगा कि इसका मास इक्वल नहीं होगा, बट यहाँ पर प्लस डेल्टा एम लिखने से वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि मास में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो ये मास जो होगा वो क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कन्वर्ट इनटू एनर्जी। तो अब ऊपर वाला जो रिपोर्ट है उसमें हाइड्रोजन आता है, तो ये क्या होगा कि प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बम होता है। हाइड्रोजन बम में कैसे होगा, तो इस तरीके की प्रोसेस होकर वहाँ पर एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी जनरेट हो जाती है। और यहाँ पर क्या होगा, तो न्यूक्लियर प्रोसेस का प्रिंसिपल हो जाएगा। तो न्यूक्लियर बम के लिए प्रिंसिपल तो ये वाला होगा, हाइड्रोजन बम के लिए ये वाला होगा, दोनों में बहुत सारी एनर्जी एक साथ मिलती है, ठीक है। अब वो बहुत सारी एनर्जी कब मिलेगी, जब प्रोसेस जो होती है उसको कंट्रोल में नहीं रखे, ऐसी जो प्रोसेस होती है तो उसको अगर अनकंट्रोल कर दोगे तो क्या होगा कि विद इन अ सेकंड ये तो क्या होगा कि टाइम लेकर इतनी बनती है, बट अगर बहुत ऐसे बहुत सारे प्रोसेस एक ही साथ में हो जाएगी तो क्या होगा, इतनी एनर्जी तो एक ग्राम में से मिलती है, तो बहुत सारे में से बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। तो अनकंट्रोल प्रोसेस, जब ये जो न्यूक्लियर प्रोसेस है ऐसी प्रोसेस को अनकंट्रोल कर दोगे तो क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी एक साथ मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने सुना ही होगा हिरोशिमा नागासाकी पर जो अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका था, तो वहाँ पर क्या था कि ऐसी प्रोसेस होती है और उसमें क्या होगा बहुत सारी एनर्जी एक साथ जनरेट हो जाती है, तो वो एनर्जी क्या होगी कि एब्सॉर्ब नहीं हो पाती है, तो क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है जो भी आता है, ठीक है। तो बट इसका अगर सही यूज होगा तो क्या होगा कि बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पर से जो एनर्जी होगी, ठीक है, तो ये एनर्जी के थ्रू क्या होगा, तो ये एनर्जी के थ्रू जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर को हीट कर सकते हैं, उससे टर्बाइन चला के क्या कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये चीज के बारे में आपको क्या होगा, जो 12th स्टैंडर्ड में पूरा डिटेल में पढ़ने को आएगा कि कैसे एनर्जी जनरेट होती है, उससे वाटर और टर्बाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है। अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको 11th स्टैंडर्ड में नहीं है, ठीक है, ये 12th स्टैंडर्ड में पढ़ लेना। तो ये हमारा क्या है, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में था। अब इसके बाद हम जो देखने वाले हैं वो है पावर के बारे में। तो पावर तो आप लोगों में बहुत है ना, अब ऐसा कब बोलते हैं, वैसे तो ये अलग लैंग्वेज में बोलते हैं ना, मतलब कोई बहुत ही भाईगिरी करता है तो उसको बोलते हैं इसमें तो बहुत पावर है ना, या फिर कभी कोई किसी की सुनता नहीं है तब बोलते कि बहुत पावर होता है। बट जब हम फिजिक्स में बात करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, तो पावर हो जाएगा वर्क डन इन यूनिट टाइम, ठीक है। पावर जो है वो क्या हो जाएगा, वर्क डन इन यूनिट टाइम, वो पावर कहलाता है, या फिर आप ले लो तो रेट ऑफ वर्क डन, ठीक। तो अब इसका मतलब क्या है, तो देखो पढ़ने के लिए तो क्या होता है कि सबको एक साल पूरा मिलता है, पर क्या होगा किसी का रिजल्ट आप देखोगे तो 60 आएगा, किसी का 80 आएगा, ठीक है, कोई पास भी नहीं हो पाता। तो इसका मतलब क्या है कि जो यूनिट टाइम है उसमें सबने जो वर्क किया है वो क्या है, अलग अलग, तो वो ही क्या है, पावर है, ठीक है। दूसरी चीज आप देखो तो क्या हो सकता है कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर हो और बोला जाए कि 13th फ्लोर पर जाना है, ठीक है, नहीं बोलो तीन नंबर, मान लो 10th फ्लोर पर ही जाना है, ठीक है, तो क्या होगा, सब लोग अगर 5 लोगों को भी भेजा जाए तो क्या 5 लोग एक साथ 13th फ्लोर पर पहुंच पाए, वापस आ गया 10 नंबर, सब लोगों को क्या होगा कि 10th फ्लोर पर बोला है तो क्या सब लोग पहुंच पाएंगे, नहीं ना, क्या होगा सब लोग अलग अलग टाइम पर पहुंचेंगे, तो क्या होगा कि सब लोगों का पावर अलग अलग होता है, तो क्या होगा कि सब ने जो यूनिट टाइम में, मतलब एक
टाइम आप फिक्स कर लो, तो उतने टाइम में क्या होगा कि जो एक फ्लोर पर जाना चाहिए दूसरे पर तो सब लोग नहीं जा पाते, वही है सबका पावर। तो होता क्या है कि यूनिट टाइम में जो वर्क डन किया जाए वो सब लोग सेम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि सबका पावर अलग अलग है, ऐसा हम कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखो तो क्या होगा कि जो वर्क डन है, ठीक है, डिवाइड बाय हम टाइम करते हैं तो वो हमको एवरेज देता है। पर अगर हम लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो ले तो ये पावर क्या मिलेगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी मिलेगा, ठीक है। मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमको पावर देता है। अब देखो तो यहाँ पर क्या होगा कि जो वर्क है, ठीक है, तो वर्क की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को एक्चुअली आप लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ बाहर निकल गया है तो डी आर बाई डी टी। तो आप देखोगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ही है, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम तो वो क्या लिखा, वेलोसिटी। तो पावर एक्चुअली क्या हो जाएगा, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी भी हो जाएगा। अब यूनिट की बात करें तो पावर है तो यूनिट वर्क का यूनिट क्या आएगा, जूल। टाइम का यूनिट सेकंड आएगा, ठीक है। डायमेंशन की बात करें तो पावर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम वन एल टू टी माइनस थ्री, ठीक है। ये भी याद रखना है, कभी कभी आ जाता है। अब इसका यूनिट जो है वो जूल पर सेकंड तो हो गया, बट इसको वाट भी बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखोगे तो जूल है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, ये वॉट आ गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे ना साइंटिस्ट के नाम ही होते हैं, ठीक है। जो बेसिक क्वांटिटी है ना, सेकंड चैप्टर में पढ़े हो, वहाँ पर जो यूनिट है उसके छोड़ के सारे मोस्ट ऑफ ले क्या है, साइंटिस्ट के नाम ही दिए हुए। तो ये क्या है, क्यों है, ये नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है। अब ये क्या हो गया, तो पावर है उसका यूनिट आ गया। अब इसके दूसरे भी यूनिट आते हैं, ठीक है, ये जूल पर सेकंड हो गया, ये वॉट हो गया। अब दूसरा एक यूनिट उसका क्या आता है, होर्स पावर, ठीक है। तो जब ये यूनिट का यूनिट नहीं ढूंढे गए थे तब क्या था कि किसी का अगर पावर मेजर करना हो तो क्या होता था कि तब हॉर्स जो होता है वो क्या होता था, तो सबसे पावरफुल एनिमल होता था। तो जब किसी का पावर मेजर करना होता था तो वो क्या होता था कि एक हॉर्स के जितना पावर मेजर कर पाए तो उसको एक हॉर्स पावर बोलते थे, ठीक है। तो वैसा ही होता है, और अभी भी इसका यूनिट, ये जो यूनिट है हॉर्स पावर, वो कहाँ पर यूज होता है, तो घर में जो मोटर लगती है, ठीक है, पानी वाली मोटर जो होती है उसमें बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक की मोटर, दो की मोटर ऐसा बोलते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वो वन हॉर्स पावर की, टू हॉर्स पावर की मोटर होती है। तो अब इसका वन हॉर्स पावर वो आप देखोगे तो वॉट में क्या होगा, 746 वॉट के जितना होगा वन हॉर्स पावर, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि पावर इक्वल टू क्या है, वर्क पर वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम वर्क डन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पावर इंटू टाइम। अब देखो तो पावर का यूनिट क्या है, वॉट, और टाइम है तो सेकंड में लेते हैं। पर अगर इसको किलो में कर दिया और इसको आवर में कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, किलो वॉट आवर। तो किलो वॉट आवर तो ये क्या हो जाएगा, तो अब देखो तो इसको 1000 हो जाएगा, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करो तो ये 360। तो ये आप देखो कि टोट क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10^6 जूल हो जाएगा। तो एक्चुअली तो कंफ्यूज मत हो, पहले तो हम वर्क की बात करें, ठीक है, पावर की नहीं। तो वर्क जो होगा किलो वॉट आवर, तो ये क्या हो जाएगा, 3.6 × 10^6 जूल, ये भी क्या हो जाएगा। तो ये एक वर्क का ही यूनिट है, किलो वॉट आवर वर्क का ही यूनिट है, ठीक है। एक किलो वॉट आवर ये वर्क का यूनिट है, पावर का नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। दूसरी चीज, वन किलो वॉट आवर ऐसा जब आता है तो उसको वन यूनिट भी बोलते हैं। अब ये यूनिट तो कहीं पर सुना हुआ लगता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का जब बिल आता है तो वो बिल क्या होता है, यूनिट में मेजर करते हैं, ठीक है। इतना यूनिट बिल आपका कंज्यूम हुआ, मतलब इतना यूनिट बिल आपने आया है, ठीक है, तो वो यूनिट क्या होता है, किलो वॉट आवर। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, तो वन थाउजेंड जूल से वन आवर में किए जाने वाला वर्क,
1000 जूल से 1 आवर में किए जाने वाला वर्क जो होता है उसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट बोलते हैं। अब ये भी एक्चुअली क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट आपको स्टैंडर्ड 12 में इसके बारे में डिटेल में आएगा, ठीक है। बट अभी हम एक्चुअली एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो कि बुक का है 6.11। अब ये न्यूमेरिकल में क्या बोला है कि एक एलिवेटर है, ठीक है, वो क्या हो रही है कि 1800 kg की है और ऊपर के डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से जा रही है। अब ऑब्वियसली ऊपर जा रही है तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन क्या होगा, नीचे की ओर लगेगा। तो ये फ्रिक्शन कितना फोर्स लग रहा है, तो 4000 न्यूटन जितना फोर्स लग रहा है। अब हमको बोला है कि ये ऊपर जाना चाहती है इतना केजी की लिफ्ट और नीचे इतना फोर्स लग रहा है, तो उसको ऊपर जाने के लिए इसका पावर कितना चाहिए वो हमको पूछा है, ठीक है। तो पावर फाइंड करना हो तो यहाँ से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो कि पहले तो डाउनवर्ड्स जो फोर्स लगता है वो कितना होगा, तो डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो mg होगा प्लस फ्रिक्शन फोर्स, दोनों नीचे की ओर ही लगेंगे। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, तो 1800 × 10 प्लस 4000, तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली, तो ये 18000 प्लस 4000 22000 हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन। अब हमको जो चाहिए वो तो फोर्स सॉरी पावर फाइंड करना है, तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 22000, ये फोर्स हो गया प्लस वेलोसिटी क्या है तो 2 मीटर पर सेकंड से, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 2, तो ये हो जाएगा 44000 और यूनिट क्या आ जाएगा, तो वॉट आएगा, पावर का यूनिट वॉट। अब दूसरा एक चीज हमको बोला है कि ये जो पावर आता है उसको जूल में कन्वर्ट करो, सॉरी हॉर्स पावर में, तो ये हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना हो तो पी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 44000 वॉट। अब देखो हॉर्स पावर क्या है, 746 वॉट, ठीक है। तो वॉट को अगर हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा कि 746 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 746 से डिवाइड करो तो ये आंसर 59 हॉर्स पावर आ जाएगा। तो ये क्या है कि जो पावर मिला था वॉट में उसको हमने हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर दिया है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है, पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।